हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सेलन शुक्ला, आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है गोविंद शुक्ला। गॉड से ऐसा करते हैं कि मेरे छोटे बड़े सब्सक्राइबर सब लोग अच्छे होंगे कोविड टाइम पे। कोविड का जो रूल है भाई, फॉलो करें। कहीं घर के बाहर जा रहे हैं मास्क लगा के जाएं, और घर में आ रहे हैं तो भाई खाने के पहले हाथ अच्छे से वॉश करना है और सैनिटाइज करना है। भाई थोड़ा सा काम है, भाई थोड़ा सा काम नहीं ये कर पा रहे हो तो भाई आपके लिए काफ़ी बड़ा रिस्क हो सकता है। इस चीज़ों से सावधान रहें और प्रॉपर तरीके हाथ वॉश करें, हैंड वॉश करें प्रॉपर तरीके। और आज का मेरा टॉपिक है आर्टिकल क्या होता है, आर्टिफिशियल क्या आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड आर्टिकल। इस टॉपिक बात करेंगे आर्टिकल क्या होता है, आर्टिफिशियल क्या होता है, आर्टिकल काम क्या होता है, आर्टिफिशियल काम क्या होता है। आज का टॉपिक ये है मेरा। चल आर्टिकल क्या है, आर्टिकल के टॉपिक पे आज बात करते हैं। जब आप इंडियन कोस्टल में शिप ज्वाइन करते हो, जैसे टग बोट हो गया, सप्लाई वेसल हो गया, बल्क कैरियर हो गया, टैंकर हो गया, कंटेनर वेसल हो गया, ये वेसल जब इंडिया से आप ज्वाइन करते हो तो आर्टिकल आपका ऑन होता है। और आर्टिकल ऑन होता है जब FG वेसल मतलब फॉरेन गोइंग वेसल ज्वाइन करते हो तो आपका आर्टिफिशियल होता है। आर्टिकल आर्टिफिशियल में ये डिफरेंट है। आप इंडिया कोस्टल में ज्वाइन कर रहे हो तो आपका आर्टिकल होगा। आप विदेश से सिर्फ ज्वाइन कर रहे हो, जैसे दुबई हो गया, कुवैत हो गया, अदर आप आउट ऑफ कंट्री ज्वाइन कर रहे हो तो ये आपका आर्टिफिशियल हो गया। और एक्चुअली में काफ़ी लड़के बोलते हैं सर मैं इंडिया से वेसल ज्वाइन करते हैं तो इंडियन फ्लैग है तो सर मेरा इमिग्रेशन नहीं होता। एक चीज़ ध्यान रखना, वेसल का इंडियन फ्लैग है, आप इंडिया से ज्वाइनिंग कर रहे हैं कोस्टल वेसल है तो आपका इमिग्रेशन नहीं होगा, इंडियन फ्लैग पे इमिग्रेशन नहीं होगा आपका। जैसे FG वेसल है तो आउट ऑफ कंट्री है, जैसे पनामा फ्लैग है, आप वेसल ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका इमिग्रेशन होगा। आउट ऑफ कंट्री का फ्लैग अपना इंडियन फ्लैग नहीं हुआ तो आपका इमिग्रेशन होगा। इंडिया से ज्वाइनिंग कर रहे हो तो इंडियन वेसल हुआ, इंडियन फ्लैग हुआ तो इंडिया से ज्वाइनिंग कर रहे हो तो इमिग्रेशन नहीं होगा आपका। पोर्ट पर जो होता है, सी पोर्ट पर इमिग्रेशन होता है, एयरपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। काफ़ी लड़के बोलते हैं इमिग्रेशन एयरपोर्ट पे भी होता सर, एयरपोर्ट पे कैसे मैं डायरेक्ट जाऊँ। बस सी पोर्ट में जब इंटर करोगे तब कस्टम वाले इमिग्रेशन करते हैं। सी पोर्ट पे भी इमिग्रेशन होते हैं, आपके दो इमिग्रेशन होते हैं। जैसे एग्जांपल आप दुबई जा रहे हो, आप जैसे इंडिया से ज्वाइन कर रहे हो, इंडिया से आपका फ्लाइट है, आपका इंडिया में भी इमिग्रेशन होगा। आप जब दुबई पहुँचोगे दुबई में भी इमिग्रेशन होगा। जब सी पोर्ट में पहुँचोगे, जब ज्वाइनिंग के लिए सिप पे जाने के पहले जो सी पोर्ट होता है वहाँ पे कस्टम वाले भी वेरिफिकेशन आपका करेंगे। तीन जगह वेरिफिकेशन आपका होगा डॉक्यूमेंट का, और वहाँ पे भी होगा इमिग्रेशन आपका पोर्ट पे। तीन जगह इमिग्रेशन होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। और एक चीज़ ध्यान रखना, आपका डाउट मैं तो क्लियर कर दिया, ये चीज़ काफ़ी एजेंट लड़कों के बेवकूफ़ बनाते हैं। बेवकूफ़ मत बनना भाई। और काफ़ी लड़के बोल रहे इस समय सर काफ़ी एजेंट होते हैं पैसा लेकर लड़कों से रख रखा है और बोल रहे ज्वाइनिंग नहीं हो रही, मास्टर चक्र ओपन नहीं हो रहा, साइन अप नहीं हो पाएगा, ना साइनिंग हो पाएगा। ये कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। देखो मास्टर चक्र ओपन हो रहा है, एक मेरे पास लिंक है, मैं लिंक के ऊपर स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो आप देखें लिंक कैसा है। आप इंडोस नंबर लिंक वो डाल के पेस्ट कर देना और इंडोस नंबर डाल देना, आपका मास्टर चक्र ओपन हो जाएगा। आप सी सर्विस डिटेल चेक कर सकते हो, आपका साइन इन हुआ कि साइन अप हुआ, आप अपना पर्सनल डाटा पूरा चेक कर सकते हो। एजेंट का काम क्या है, कैंडिडेट को बेवकूफ़ बनाना भाई। जितना होगा मेरा चैनल यूट्यूब फैमिली आपकी पूरी हर जगह आपकी हेल्प करेगी, चाहे जॉब से रिलेटिव हो, चाहे GP रेटिंग के एडमिशन से रिलेटिव, हर जगह आपका जेन्युइन तरीके हेल्प करेंगे। आप ये चीज़ें में टेंशन मत लेना। एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी मेरा टीम का मेंबर हो आपके साथ कुछ भी कर रहा है, मतलब आपका काम भी करा रहा है, प्लेसमेंट का काफ़ी चीज़ लड़के लोचा भी दे देते टीम का नाम बदनाम करने के लिए भाई, एक बार हमारे पर्सनल इंस्टाग्राम ID पे डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट कर लेना है। इंस्टाग्राम ID आपको पता ही है, आपको दे देंगे लिंक में, और मेरा इंस्टाग्राम पर ID पे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। आप डायरेक्ट जब कांटेक्ट करोगे तो मैं काफ़ी कुछ लोगों को जो अच्छे लड़के हैं और जैसे हमको एजेंट नहीं लगता है, एजेंट भी आप मैसेज करते हैं जो अच्छा हमको दिखता है, ये लड़का है SC मैन है, तो मैं उसकी पूरी हेल्प करता हूँ तो नंबर भी दे देता हूँ। एक पर्सनल नंबर है जो अपना, वो नंबर भी दे देते हैं भाई। मेरे पास कुछ नहीं भाई सिस्टम, नंबर देने के लिए आपसे पैसे लें वो लें भाई, वो कुछ नहीं। जितना होगा मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आपकी हेल्प करेंगे तो गॉड मुझे देखेगा भाई, आपकी हेल्प नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा भाई। यही भाई सीमन चैन सिस्टम है भाई। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं यही कर रहा हूँ तो आप पांच लोगों को कम से कम हेल्प करें। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो आप कम से कम पांच लड़कों की हेल्प करें कम से कम। ये सीमैन
लाइन जो इतनी गंदी हो चुकी है, इसका मैं इसको कुछ सुधार सकें कुछ परसेंट, मैं यही स्टार्टिंग से बोलता चले आ रहे हैं भाई। आप कोई भी डाउट हो, आपको प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा, कांटेक्ट करें आपका, मैं प्लेसमेंट करा देंगे। और आपका सीओपी बात भाई, काफ़ी शिपिंग कंपनियां हैं जो फ्री में प्लेसमेंट देते हैं, जाकर वहाँ पर ट्राई करें। और ध्यान रखना डीजिक सर्कुलर क्या है, कोई भी आरपीएसएल लेता है तो डीजिक सर्कुलर यही है, आप प्लेसमेंट दोगे तो आपको सर्विस चार्ज कैंडिडेट से नहीं लोगे, कैंडिडेट का किसी का सर्विस चार्ज नहीं पड़ेगा, मगर कोई आजकल देने वाला नहीं। ये चीज़ डीजी नहीं देख रही, कोई भी फ्री में लड़का ज्वाइन नहीं कर सकता, प्रेशर या पोजीशन हो गई प्रोजेक्ट में, चाहे जितना रेफरेंस लगा है, चाहे दौड़े, हर जगह पैसा, हर जगह पैसा। और मेल आईडी ले लेते हो, मेल करते हैं डीजी, हमेशा जानते हो आपका जब आर्टिकल ऑन होता सीधे डीजी मेल करता है, मेल आपके आएगा, आपने एजेंट को पैसा दिया है क्या, वो मेल आईडी पहले से ले लेगा, वो डीजी को मेल कर देता है एजेंट, हमेशा ध्यान रखना। ये बहुत सीन हो रही प्रोजेक्ट, वो मेल कर देगा, लड़के ने पैसा नहीं दिया, तब आपका आर्टिकल ऑन होगा। ये ज़्यादातर सीन चल रही भाई इस समय प्रोजेक्ट में भाई, इसको क्या भाई कर सकते हैं भाई, हम ही आप सब लोग मिलकर सुधारेंगे तो सुधर पाएगी लाइन, नहीं सुधारेंगे भाई जैसे अभी तक चल रहा है, चलिए आज आगे ऐसी चलेगी भाई। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, गुड डे।